good morning class 2 student it is our grammar period and we will start chapter number 12, 14 helping verb what are helping verbs you know no 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 okay one no means nahi and second no means jana. you know no okay हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो हमारे सेंटेंस को कम्प्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा ओके बेटा लेट सी हुई इज आप में से कोई बच्चा है ना ओके इज आ एम इज मीन्स है आ मीन्स है ओके एम मीन्स हू इज सिंगुलर आप प्यूलर और एम जो है हमेशा आई के साथ यूज़ होता है लेट सी वी यूज़ वर्ब इज एम आर एम वैन वी टॉक अबाउट समथिंग द प्रजेंट जब हम कोई चीज़ प्रजेंट में बोलते हैं तो हम इज एम आर का यूज़ करते हैं जस्ट लाइक आई एम ए टीचर मैं एक टीचर हूँ यू आर ए पॉय आप एक लड़के हो ओके शी इज़ अ गर्ल वो एक लड़की है बाय देवे अगर हम ऐसा बोले कि शी गर्ल तो हमने इस तो लगाया नहीं उसमें यानी हेल्पिंग वर्ब लगाया नहीं तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा वह लड़की हाँ तो हुआ ही नहीं ना तो ये कंप्लीट नहीं होगा ठीक है अगर हमने बोला आई एम ए टीचर अगर हम एम को रिमूव कर दें आई टीचर मैं टीचर तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा ना बेटा तो जो इज है हमारे ये हमारी हेल्प करते हैं हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने में ओके इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इसका यूज कब करेंगे <coughs> जब कोई पर्सन वन हो जब कोई प्लेस वन हो एनिमल वन हो या फिर कोई थिंग वन हो और आर का यूज कब करते हैं जब कोई थिंग्स मोर देन हो मोर देन वन हो चाहे वो एनिमल हो पर्सन हो प्लेस हो ओके वी ऑलवेज यूज़ एम विद आई और आर एम का यूज़ जो है हमेशा आई के साथ करते हैं देखिए अच्छे समझ में आ गया चलिए देखते हैं राधिका इज प्लेइंग विथ आर डॉल ओके आपको ये जो सब्जेक्ट है ना इसी को चेकआउट करना है राधिका सिंगुलर है तो इज हो गया दे आर प्लेइंग फुटबॉल दे आर प्लेइंग फुटबॉल दे है प्यूलर है तो मोर देन वन हुआ ना तो आर का यूज हो गया और आई के साथ तो एम एम का यूज़ होता है आई प्लेइंग विथ बॉल। फिर हमारा वॉज मीन्स था वॉज मीन्स था वर मीन्स थे ठीक है जब हमारा सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर का यूज होता है ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा ओके आई वॉज स्टूडेंट मैं स्टूडेंट थी मैं स्टूडेंट थी ठीक है तो आई के साथ देखो बेटा हमेशा वॉज का यूज़ होगा या आई के साथ एम का यूज नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस के लिए होता है पास्ट के लिए होता है जो हो चुका है वॉज इज यूज वेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन प्लेस और थिंग यहाँ भी जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वॉज का यूज होता है और वर्क का यूज कब होता है यूज़ वैन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन जब हम एक से अधिक लोगों की बात करते हैं एग्ज़ाम्पल राम वॉज रीडिंग ए बुक राम क्या कर रहा है कर रहा था बुक पढ़ रहा था ये था पढ़ नहीं रहा है पढ़ रहा था ये पास्ट हो गया ठीक है मोहिनी एंड रिया वर रीडिंग ए बुक मोहिनी और रिया बुक पढ़ रहे थे ये वर का यूज़ हुआ यहाँ पर क्यों हुआ है क्योंकि मोहिनी और रिया टू पर्सन है ठीक है ना फिर से समझ लेना इसको आप एक बार अब हैज हैज और हैड का मींस है कोई चीज का किसी के पास होना जस्ट लाइक आई हैव ए स्टिक मेरे पास एक स्टिक है है ना दिस स्टिक कलर इज ब्लू ओके यू हैव ए पेंसिल यू हैव ए बुक आपके पास एक बुक है ठीक है तो हैव का यूज आप लोग बोलते हैं ना आई हैव टू फिंगर

पास्ट के बारे में बात करते हैं जस्ट लाइक ए आई हैड एक्ल मेरे पास एक बाईसाइकिल थी है नहीं थी ओके स्टार्ट मीना हैज अ पेंसिल शीना इन हैव टू पेंसिल आई हैव वन पेंसिल शी हैड ए पेन शी हैड पेन उसके पास एक पेन था इसलिए यहां हैड का यूज हुआ है लेट सी एक्सरसाइज एंड अप योर बुक विथ मी लेट स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स एम मदन सिंगुलर है मदन सिंगुलर है तो क्या इज ओके okay? ये आपको सब्जेक्ट देखना है मदन सिंगुलर है तो क्या हुआ इज एबसेंट टूडे वी प्युलर है आर इंडियंस वी आर इंडियंस माई मदर माई मदर इज सिंगुलर इज माई बेस्ट फ्रेंड दीज बलून्स बलून्स है आर बिग आई के साथ ऑलवेज एम सिक्स इयर्स ओल्ड ए रोज सिंगुलर है इज ए ब्यूटिफुल प्लावर शी सिंगुलर है इज एन इंटेलिजेंट गर्ल लेट सी फिर से देख लीजिए आप लोग माई लिटिल ब्रदर माई लिटिल ब्रदर मेरा छोटा भाई सिंगुलर इज वेरी नोटी लोटस सिंगुलर इज आर नेशनल फ्लावर मीना एंड प्रिया बोथ टू हैं मोर देन टू है two, तो क्या हो गया आर फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज एंड वर वॉज मीन्स था वर मीन्स थे ओके okay? आई के साथ वॉज का यूज होगा आई वॉज सिक यस्टरडे मिस् कल मैं बीमार था द चॉकलेट्स वर चॉकलेट्स प्युलर है ओके चॉकलेट्स वर इन द बॉक्स जवाहरलाल नेहरू सिंगुलर है वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मदर सिंगुलर है बिजी थी द्यूलर है वीट्स अर्पिता सिंगुलर है वॉज लेट टू स्कूल वी प्यूलर है व इन पार्टी यस्टरडे हम लोग पार्टी में थे कब थे well rain, it, it है क्योंकि है और रेनिंग के लिए आता है जो तो इसी तरह सेंटेंस लिखा जाता है इट वॉज रेनिंग इट इज रेनिंग रेनिंग हैवली टूडे देर दे प्यूलर है हमारा इसलिए वर

आई हैव टू हैंड्स आई के साथ हमेशा हैव का यूज होगा कुकू सिंगुलर हैज़ ब्यूटिफुल वॉय शी सिंगुलर हैज ए ब्यूटिफुल ड्रेस एकाओ सिर है एकाऊ हैज टू हॉन्स आई के साथ हैव का यूज होता है ऑलवेज आई हैव ए पैट पैरो स्कूल स्कूल सिंगुलर हैज ए बिग प्ले ग्राउंड वी हैड सम बुक्स लास्ट ईयर लास्ट ईयर आया मीन्स पास में है ये पास की बात इसलिए यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है ओके okay, अब ये आप टेबल रीड करोगे उसके बाद फाइव सेंटेंस आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है आई के साथ क्या लगेगा एम क्या लगेगा आई एम रीडिंग ए बुक या राइटिंग ए लेटर प्लेइंग फुटबॉल मेकिंग ए नॉइज वॉशिंग क्लोथ आप जो चाहो लिख सकते हो ठीक है इस तरह से आपको ये हेल्पिंग वर्क का यूज करते हुए इधर से मीनिंग वर्ब मेन वर्ब लेते हुए इधर से सब्जेक्ट लेते हुए फाइव सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है ओके okay, अब आपको यहाँ पे एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड आपको लिखना है कि वर्ड दे आर डूइंग ये लोग क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं स्लीपिंग यस आप ही की जैसे इतना देर तक सोते हैं फिर उठे है, क्या किया बाथिंग वेरी गुड फिर ईटिंग ब्रेकफास्ट खा रहे हैं रीडिंग अच्छा आप लोग भी रीड करते हो क्या वेरी गुड पेंटिंग राइटिंग वेरी गुड फिर प्लाइंग रनिंग स्विमिंग ड्रिंकिंग लाफिंग एंड जम्पिंग ये सब आपको बुक में ही फील करना है वेरी गुड आपका चैप्टर फोर्टीन फिनिश बेटा नहीं समझ में आएगा टू थ्री टाइम फिर से इसको सुनना फिर से आप पढ़ना समझना एवरीथिंग समझ में आ जाएगी आपको बाकी जो चीज़ों की हम लोग क्लास में देखेंगे ओके बेटा बाय